राष्ट्रीय सेवा योजना दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में बुधवार को विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान, मतदाता जागरूकता पोस्टर और मतदाता जागरूकता पत्र भरवाना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया। रथ के साथ स्वयंसेवकों की एक टोली रथ के साथ जगह जगह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को अपने मत का प्रयोग करने के लिए जागरूक कर रहे थे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा कि सभी लोगों को मतदान में शत प्रतिशत अपनी भागीदारी अर्जित करनी चाहिए। समाज को जागरूक करने के लिए युवाओं की जिम्मेदारी, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी लोगों को जरूर मतदान करना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा, मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ कर रही है और इसमें सर्वप्रथम विश्वविद्यालय जी जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति जी हैं, सर्वप्रथम उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया और कर्मचारी यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान जो मतदाता जागरूकता से संबंधित है उसको करने के लिए आए हैं। मैं आह्वान करती हूँ जितने भी शिक्षक और छात्र भी कैंपस में मौजूद है, वह मतदाता जागरूकता रैली दोनों का आयोजन करेगी और सबको मैं यहाँ पर आह्वान करती हूँ कि आप सभी लोग भी आकर के इसमें हस्ताक्षर करें और अभी सभी लोग भी जो बढ़कर चढ़कर मतदाता बने और मतदान करें। मतदाता जागरूक बनाएंगे राष्ट्रीय सेवा योजना दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई इस समय अपने सभी कर्मचारियों अपने संपर्क नाम क्या है और शिक्षकों के साथ आपको पता है हमारा देश लोकतंत्र रूप में स्थापित है। हर 5 वर्ष के बाद आपको सरकार चुनने का मौका मिलता है और खासकर हमारे युवा मतदाता जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे होंगे, प्रयोग कर रहे होंगे, उनसे अपील है कि वो 100% मतदान करें और अगले 20-30 साल तक उनके द्वारा कमी जरूरी सरकारें अपना राष्ट्र मांगे होंगे भारत के कानून स्थापित है। उसी परंपरा में आप अपने अधिकार का प्रयोग अपने संख्या से अपने करें और नई नई दिशा को राष्ट्रीय प्रदान करें। हमारे देश में हर 5 वर्ष पे भारतीय जनता के द्वारा मतदान करने का अवसर प्राप्त होता है। पूरे विश्व में हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित है। विगत 60 सालों से हमारा देश लगातार सरकारें चुन रहा है। इस वर्ष भी लोकसभा का चुनाव हो रहा है जो 7 चरणों में किया जाएगा। कल 11 अप्रैल से इसका प्रारंभ हो रहा है। गोरखपुर में भी 19 मई को चुनाव होना है। तो हम इस क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील करेंगे कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और पहले मतदान फिर जलपान योजना के अंतर्गत मत केंद्रों पर जा करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और अपने विवेक से, अपने बुद्धि से एक स्वस्थ एवं अच्छे नागरिक को, अच्छे व्यक्ति को चुने जिससे वो राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करे। हमारे देश में इस वर्ष काफ़ी संख्या में नए मतदाता जुड़े हैं जिनकी संख्या लगभग 7 करोड़ से ऊपर है जो अपने जीवन में पहली बार मतदान करेंगे। उन युवाओं से मुझे खासकर अपील है कि वो 100% अपने घरों से निकल करके न कि स्वयं मतदान करें बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करें कि वो मतदान केंद्रों पर पहुँच करके अपने अधिकार का प्रयोग करें और अच्छी और स्वस्थ सरकार चुनने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।